देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रभावित राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम के मुख्य सचिवों से एक सप्ताह के दौरान संक्रमण बढ़ने को गंभीरता से लेने को कहा। स्वास्थ्य सचिव ने नए कोरोना मरीजों के आसपास क्लस्टर जोन में निगरानी बढ़ाने के अलावा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख सचिव मनीषा सक्सेना को लिखे पत्र में बताया गया कि बीते 1 अप्रैल तक जहां एक सप्ताह में 724 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 2 से 8 अप्रैल के बीच 826 नए मामले आए हैं। 2 सप्ताह में लगातार बढ़े कोरोना के मामलों के कारण अब राष्ट्रीय स्तर पर अकेले दिल्ली में ही रोजाना औसतन 11.33% मामले आ रहे हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 0.51 से 1.25% तक पहुंच गई है। इसी बीच सरकार ने ऐलान किया कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 10 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये मुफ्त में लगाया जाएगा, जबकि बाकी वयस्कों को भुगतान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।